अभिनेता व क्रिटिक कमाल राशिद खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। केआर के ट्विटर पर बॉलीवुड से लेकर देश विदेश की राजनीति तक पर टिप्पणी करते हैं और अक्सर उनके ट्वीट्स वायरल हो जाते हैं। केआरके को कभी सोशल मीडिया यूजर्स का सपोर्ट मिलता है तो कभी वो खूब ट्रोल होते हैं। बीते कुछ वक्त से केआरके आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने फिल्म को लेकर बड़ा दावा किया है। केआरके का कहना है कि लाल सिंह चड्ढा यूपी एमपी हरियाणा सहित कुछ राज्यों में अनऑफिशियली बैन हो गई है। केआरके बीते लंबे वक्त से आमिर खान और फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि फिल्म को अनऑफिशियली बैन किया गया है। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, फिल्म लाल सिंह चड्ढा को यूपी एमपी हरियाणा आदि में अनऑफिशियली बैन किया गया है। एग्जिबिटर्स शो चलाने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। केआरके के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग जहां केआरके के ट्वीट को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ऑफिशियली हो जाना चाहिए, तो वहीं कई लोग इसे फेक न्यूज बता रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो यूपी एमपी से सीटों को बुक करने के ऑप्शन के साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है और कहा है कि वो तो टिकट बुक कर पा रहे हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गंप का इंडियन अडेप्शन है। लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्य भी हैं। लाल सिंह चड्ढा को देश में 100 स्थानों पर शूट किया गया है। वहीं आमिर खान ने फिल्म से जुड़ी बातचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने इस फिल्म को अपने 12-14 साल दिए हैं। अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।